वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 केरल का राजकुमार, जिसके अंदर एक राजा रविवर्मन नाम के राजा होते हैं जो बहुत अच्छे राजा होते हैं, पर उनका बेटा अच्छा राजा नहीं बन पाता और वो क्या करता है, सारे प्रजा के ऊपर अलग अलग तरह के कर लगा देता है और अरब व्यापारों से पैसे तो ले लेता है पर उनको सामान देता नहीं। अपने स्वार्थी मित्रों को भी वो अपने मंत्रियों की पोस्ट पे बिठा देता है और पिता के समय के अच्छे मंत्रियों को सब निकाल देता है। इसके कारण राज्य की पूरी हालत खराब हो जाती है, व्यापारी भी वो देश को छोड़कर चले जाते हैं। तब ये रवि वर्मन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक मंदिर है जो राज्य प्रतिष्ठा के लिए बनाया गया था, वहां लक्ष्मी देवी के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है। जब वो जाता है तब सबसे पहले वो समुद्र में नहाने के लिए जा रहा है, तो नहाने जाते समय उसको वहां पे स्टेप के उसको उसकी सीढ़ियों के ऊपर एक औरत दिखाई देती है और वो उसको हाथ जोड़ के पूछता है कि आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तो वो औरत जवाब देती है, मैं ये राज्य छोड़कर जा रही हूँ, ये राजा है जो मूर्ख है और जो मेरा कोई आदर नहीं करता, इसीलिए मैं ये राज्य छोड़ के जा रही हूँ। तब रवि वर्मन को एहसास हो जाता है कि वो राज और कोई नहीं पर राजलक्ष्मी है। वो राजलक्ष्मी को रोकने के लिए बहुत हाथ जोड़ता है पर राजलक्ष्मी उसकी बात नहीं सुनती। तब वो एक बात डिसाइड करता है, निश्चय करता है और राजलक्ष्मी को अपनी अमूल्य मोतियों की माला हाथ में देकर कहता है कि ये आप संभाल के रखिए, मैं जब नहा कराऊ तब आप मुझे वापस दीजिएगा और आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी ना, ऐसा उनसे कन्फर्मेशन ले लेता है और समुद्र की गोद में समाने के लिए चला जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगले दिन अरब व्यापारियों के जहाज समुद्र के किनारे आने लगे। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जो अरब व्यापारी चले गए थे अपने जहाज लेकर, वो वापस आने लगे, किनारे आने लगे। अरब व्यापारियों ने बताया कि जितने भी व्यापारी वहां आए उन सबका यही कहना था कि वे स्वयं वहां नहीं आए बल्कि समुद्र की तेज लहरें उन्हें यहाँ पे ले आई है। मतलब जो भी अरब व्यापारी वहां से चले गए थे वो सब उस नगर के अंदर वापस आ गए थे, पर उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो वापस इस जगह पे कैसे आए, क्योंकि उनको वो समुद्र की लहरें वहां से वापस लेके आई थी। यहां जाकर उन्होंने देखा कि राजा के वस्त्र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े थे। जैसे ही वो समुद्र के किनारे आए सारे अरब व्यापारी, तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर क्या पड़े थे, राजा के वस्त्र यानी राजा के कपड़े पड़े थे और राजा समुद्र के तट पर अचेत पड़े हुए थे। राजा क्या थे, अचेत यानी बेशुद्ध होकर उसके तट पे यानी समुद्र के किनारे पर पड़े हुए थे, ऐसा अरब व्यापारियों ने देखा। राजा की मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी के गले में थी और उनके जो माते मणियों की माला जो राजलक्ष्मी को दी थी वो किसके गले में थी, मंदिर की जो देवी लक्ष्मी देवी है उनके गले में थी। यानी राजा के वापस नहीं आने की वजह से वो लक्ष्मी देवी उसकी उनकी मणियों की माला लेकर उनका अभी वहीं भी इंतजार करती हुई अभी उसी नगर में रह गई थी, वहां से गई नहीं थी। और राजा भी अचेत थे यानी उनकी मौत हुई नहीं, उनको भी समुद्र ने बचा लिया यानी लक्ष्मी देवी ने, लक्ष्मी माता ने उनको भी बचा लिया और जो जहाज वापस चले गए थे उनको भी वापस बुला लिया। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास। अभ्यास के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम लोग शब्द ज्ञान। ओके, शब्द ज्ञान के अंदर ज्यादातर वो वर्ड है जो हम लोगों ने चैप्टर के अंदर देखे हैं, जिसको मैंने आपको ओरली बता दिया है, पर हम रिटन में एक बार उसको देख लेते हैं। पहला है संपन्न। संपन्न का मतलब होता है सुखी और समृद्ध। फिर है धन धान्य, उसका अर्थ होता है धन दौलत अनाज आदि। दिनोदिन, उसका अर्थ होता है हर दिन। राजकाज यानी राज्य के काम। अनुभवहीन यानी जिसे काम का कोई अनुभव न हो वैसा। संचालन यानी व्यवस्था, चलाना गति देना। राजकोष यानी राज्य का खजाना। कर यानी किसी सेवा के बदले प्रजा से लिया गया धन। ओके, पद यानी स्थान। प्रतिष्ठा यानी यश या गौरव। अमूल्य यानी अनमोल या जिसका कोई मूल्य लगाया न जा सके वो। अचेत यानी बेहोश।
मणियों का अर्थ होता है रत्नों या फिर कीमती पत्थरों। ओके, अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द। राजा जिसे नरेश या फिर भूपति भी कह सकते हैं, लक्ष्मी उसको कमला या चंचला भी कह सकते हैं, संपन्न जिसका समानार्थी शब्द है सुखी या समृद्ध, लहर जिसका समानार्थी शब्द है तरंगी या फिर लहरी, अहंकारी जिसका समानार्थी शब्द है अभिमानी या फिर घमंडी, तट जिसका समानार्थी शब्द है किनारा या फिर तीर। ओके, तो ये वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।